अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं हांडी विलेज स्टाइल। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सरसों का तेल, 2 दरमियाने प्याज कटे हुए बारीक, तकरीबन 5 से 6 टमाटर, और मसालों में हमें चाहिए आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून के करीब दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया जस्ट टू टेस्ट, और बहुत थोड़ी सी अजवाइन तकरीबन 2 चुटकी के करीब, और बीच में है थोड़ी सी काली मिर्च। बाकी हम ले रहे हैं थोड़ी सी 2-3 लौंगें और कुछ गोल मिर्च, काली मिर्च। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तेल डालेंगे, 1 कप तेल हमने डाला। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर प्याज, जो हमने 1 से 2 कटे हुए प्याज लिए। थोड़ा सा ये प्याज जब ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। चिकन जो हमने लिया है वो हमने लिया है तकरीबन 2 किलो के करीब चिकन है, इसके लिए हमने ये मसाले लिए। आप जो मसालों की मकदार है वो अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आप गोश्त ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी हम बाद में हरी मिर्च भी काफ़ी सारी डालेंगे और जो है बाकी भी 2-3 तरह की मिर्चें हैं, तो यू कैन एडजस्ट। अच्छा, इसके बाद जब ये थोड़ी सी पकना शुरू हो जाएगी प्याज, क्योंकि हमें अभी प्याज को इसके साथ कंप्लीट ब्राउन नहीं करना, तो हम अभी चिकन डालेंगे ताकि प्याज जो है वो चिकन के साथ भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। नहीं जी, प्याज हमारी इतनी ब्राउन, मतलब इतनी फ्राई हो गई है कि अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। हीट थोड़ी सी तेज़ रखेंगे ताकि प्याज के साथ साथ चिकन जो है वो अपना जो पानी छोड़े वो भी साथ साथ ड्राई होता रहे। चिकन में आहिस्ता से करके डाल दूँ ताकि बॉइल ना उड़े और आराम से सारी जगहों पे आ जाए। अच्छा, इसके साथ ही हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, जो कि मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो है तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब चलेगा। और इसके साथ एक मैं टिप आपको दे देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका गोश्त ना टूटे फ्राइंग के दौरान या भूनने के दौरान, तो आप इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून सिरका ऐड कर लें। सिरका वैसे भी जो आपके मसाले हैं उसको इन्हेंस कर देता है। तो जी, पानी इसका तकरीबन सूख गया, अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और बाकी मसाले, लेकिन अदरक लहसुन के पेस्ट को हम डालने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से पका लेंगे, ताकि अदरक के लहसुन के पेस्ट की वजह से चिकन की जो स्मेल होती है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, अब इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ पका लिया। अब बाकी मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। स्टार्ट करते हैं ज़ीरे से। ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, इसके बाद काली मिर्च पाउडर,
ज़ीरा, ये तकरीबन आपने सारे मसाले इकट्ठे डाल देने हैं। सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर लूँ। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ तकरीबन एक कप घर का बना हुआ दही है, जिसको मैंने फेंट लिया अच्छे तरीके से। साथ के साथ मैं ऐड इसके अंदर कर रहा हूँ 4 अदद हरी मिर्च, जो कि तेज़ नहीं है। और एक थोड़ी तेज़ मिर्च है जो कि मैं ऐड कर रहा हूँ। और इसके बाद जो डाइस टोमेटोज़ हैं हमारे पास तकरीबन 4 से 5 के करीब, वो मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर साथ। और अब मैं इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से चलाऊंगा ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से इसके अंदर मसाले मिक्स हो गए हैं। आप देख रहे हैं हल्दी का कलर जो है वो हर तरफ आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। चिकन आप देखें कि ये अच्छा खासा पक चुका है, लेकिन ये टूटा इसलिए नहीं है कि हमने इसके अंदर सिरका डाला है। अच्छा, ये हो गया। अब हम इसको हल्की हीट पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। एक चीज़ जो मेरे से मिस हो गई थी, वो 2-3 लौंगे जो हैं वो, और साबुत काली मिर्च मैंने ऊपर से डाल दी। इसको 30 से 35 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड कि हमने इसके अंदर कोई भी पानी ऐड नहीं किया। टमाटरों का और जो चिकन का अपना पानी है उसी के अंदर ये पकेगा, और उसके बाद हम इसको जो है अपनी हांडी के अंदर शिफ्ट करेंगे और उसके अंदर ही थोड़ी देर पकेगा, और जो फ्रेग्रेंस है वो हांडी की वो इसके अंदर आ जाएगी। तो 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं। तो आप देखें इसके अंदर काफ़ी पानी जो है इसका वो निकला है, और जो कि ये खुश्क हो जाएगा अभी हम, क्योंकि इसको हम शिफ्ट करेंगे अपनी हांडी के अंदर। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हांडी मैंने पहले से गर्म कर ली है। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि नीचे जो है वो हमारा जो गोश्त है वो लगना शुरू हो जाए। और आखिर में ये सारी ग्रेवी भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हमने सारा देगची में शिफ्ट कर लिया मसाला। अच्छा जी, आखिर में हमने अब क्या करना है कि अब हम करने लगे हैं, डालने लगे हैं इसके अंदर कटी हुई अदरक। कटा हुआ हरा धनिया और उसके बाद आखिर में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, क्योंकि हमने काट के पहले से रखी हैं, और कुछ लीमू। लीमू का रस ऑप्शनल है, इसके अंदर आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमें आजकल अच्छे लीमू नहीं मिल रहे, तो हमने इसके अंदर सिर्फ लीमू डाले। और हमने जो पहले सिरका डाला था वो हमारा टेस्ट को जो है वो मसालों को इन्हेंस कर देगा ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, अब उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। हमने मिर्चें डाल दी, तो अब हम इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और उसके बाद ये हमारी हांडी जो है वो तैयार हो जाएगी।
तो जी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब चेक करते हैं। हांडी हमारी तैयार है और जो है इसके अंदर अब पानी में मसाला देख रहा हूँ कि मसाला भी बिल्कुल ठीक है। इतना है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम बस इसको सर्व करेंगे इसी तरीके से। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा अगर जो है कोई चीज़ इसके अंदर आप लोगों को लगता है कि हमने मिस किया है। और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।